जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, एक दिन पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक तवील मुद्दत से उन्हें उजरत नहीं मिली इसका, या जो उजरत मिलती है उसमें इजाफा नहीं किया गया, इसका इंतजार किया जा रहा था। अब शायद ये आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें पूरी होती नजर आए, क्योंकि लद्दाख के अंदर इंतजामिया ने फैसला ले लिया है डेली वेजर्स के लिए, और शायद जम्मू कश्मीर में भी कुछ दिनों के बाद इस तरह का कोई फैसला आए, और जराए के मुताबिक मरहलावार बुनियादों पर इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कहीं पर अगर डिपार्टमेंट्स ने लोग लाए हैं, कहा जा रहा है कि डेली वेजर्स हैं, उनकी भी डिटेल्स डिपार्टमेंट को देनी होंगी। लेकिन हुआ क्या है, पहले मैं बता दूं, अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स दो कैटेगरीज अलग अलग हैं। लद्दाख के अंदर अनस्किल्ड लेबर जो थी उनकी 225 रुपये पहले माह जो योमिया उजरत थी, एक दिन की जो उन्हें रेट था, उसे डबल कर दिया गया है 450 रुपये अनस्किल्ड कैजुअल लेबर्स को। स्किल्ड जो है उनको 350 रुपये मिलते थे, वो बढ़ाकर डबल कर दिया गया है 575 रुपये रुपीज में, यानी ये भी एक तरह से डबल हो गया है। लेकिन अब ये भी कहा गया है, इसमें कुछ बड़ी बातें हैं, ये लद्दाख के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है। उमंग नरूला है, आईएएस हैं, एडवाइजर भी हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। डेली वेजर्स को एक बड़ी राहत मिली है, और ये राहत लद्दाख के उन तमाम डेली वेजर्स को जो तवील मुद्दत से डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पैसे को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन दो बड़ी बातें मैं इसमें क्लियर कहूंगा, एक तो डीडीओज जो हैं और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, उन्हें कहा गया है कि फौरी तौर पर जो बिल है उनकी अदायगी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स या कैजुअल लेबरर्स के अलावा जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जो वर्क फोर्स है, उनके मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस बात पर खुशी होनी चाहिए सारे डेली वेजर्स को। कहा गया कि इनकी सेटिस्फैक्ट्री है, यानी जो ये काम करते हैं उससे हमें कोई शिकायत नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस है, इस बेस पर फौरी तौर पर नई बिल्स की अदायगी हो और इनके फेवर में ये पैसा जो है इस हिसाब से अब दिया जाए। अनस्किल्ड को 225 के बदले 450, स्किल्ड को 350 से 575 रुपये। इसी तरीके से कहा गया है कि डेली वेजर्स जो हैं वो सर्टिफाइड हर महीने कंट्रोलिंग जो कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं वो उनका हिसाब किताब रखेंगे, लेकिन वही लोग जो तवील मुद्दत से काम कर रहे हैं और असल में डेली वेजर्स हैं, जो बाद में लगाए गए और फिर कहा गया कि इनका कोई हिसाबो किताब नहीं है, अचानक से निकाल दिया जाएगा, इस तरह की भी सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट को कहा गया वो सामने रखें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कहा गया है कि डिटेल रिव्यू करेंगे तमाम वर्कर्स का, जितने लोग काम करते हैं, काम किस तरह का करते हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या है वो भी बताएंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को डेप्टी कमिश्नर या सीईओ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए अपनी रिपोर्ट भी सामने रखेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। अब इसमें एक बड़ा पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपनाया जा सकता है, जिस पर बहुत फोकस है, और जराए के मुताबिक इसी तरीके से आने वाले दिनों में काम होगा। सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया है अपनी डिटेल्स दीजिएगा जो अनऑथराइज एंगेजमेंट्स हैं, यानी बहुत सारे लोग तवील मुद्दत से काम कर रहे हैं, कुछ नए लोग दो दो तीन तीन साल से लगे हैं, कुछ 4-5 साल भी हो गए कुछ को, वो भी खुद को कहते हैं हम भी डेली रेटेड हैं, डेली वेजर्स हैं, हमें अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया था तो खुद को वो डेली वेजर्स समझने लगते हैं। तो उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया जाए कितने लोग हैं, उन्हें साइडलाइन किया जाए, और जिन लोगों ने उनको लगाया है, ऑफिसर जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये भी क्लियर कर दिया गया है। एंगेजमेंट्स जो है आइडेंटिफाई करनी है, एक्शन जो है उनके खिलाफ रूल्स के मुताबिक होगा, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने अनऑथराइज्ड वन, यानी वो तमाम लोग लाए हैं डेली वेजर्स जो खुद को कहते हैं आप बीच में पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं, जो असली डेली वेजर्स हैं, डेली रेटेड हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन्हीं को ये पैसा बढ़ाया जाना है। साथ ही डेली वेजर्स जो हैं कहा गया है कि वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे होते हैं, पार्ट टाइमर होते हैं या कंटिंजेंट, जैसे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, एग्जाम्पल दी है, ओईज वगैरह हैं, बाकी बेसिस पे जो लगते हैं, जितने भी लोग जो अलग अलग स्टेट या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या रियासती मरकजी मामलत वाली स्कीमों के तहत लगे हैं, कहा गया है कि इनके प्रोविजन SSS और CSS के हिसाब से उनके ऑर्डर्स नहीं हुए हैं, अगर किसी को जबरदस्ती लगाया गया है तो जिसने लगाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जिसने जो लगा है उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो लोग असल में हैं अनस्किल्ड हैं, 225 रुपये लेते थे, 450 दिया जाएगा, और जो स्किल्ड लेबर्स हैं उन्हें 350 के बदले 575। डीडीओ से कहा गया कि उनका पैसा दिया जाए जो ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड लोगों को डिपार्टमेंट से बाहर किया जाए। तो आप उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर सड़कों पर हैं, पीएचई मुलाजमी 150 दिनों से हैं, बाकी तमाम लोग हैं, आशा वर्कर्स सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो होप्स आने वाले दिनों में बड़ा फैसला हो, लेकिन लद्दाख के अंदर डेली वेजर्स के लिए जो योमिया उजरत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। लेकिन मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी के हवाले से फिलहाल हमारे पास इस हवाले से कोई अपडेट नहीं।